आज का टॉपिक है बैलेंस कैलिब्रेशन। बैलेंस कैलिब्रेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है बैलेंस का कैलिब्रेशन, बैलेंस क्या होता है इसके बारे में हमने पार्ट वन की वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन फॉर एनालिटिकल बैलेंस। किसी भी बैलेंस की सटीकता के लिए कैलिब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कैलिब्रेशन जरूरी होता है जब यह पहली बार स्थापित किया जा रहा हो या किसी भी स्थान के परिवर्तन के बाद बैलेंस को कैलिब्रेट करना आवश्यक हो। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कितने तरह का होता है। कैलिब्रेशन दो तरह का होता है, फर्स्ट कैलिब्रेशन इंटरनल कैलिब्रेशन, सेकेंड इज एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। फर्स्ट इंटरनल कैलिब्रेशन को ऑटो कैलिब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल कैलिब्रेशन में मैनुअल उपयोग के बिना स्वचालित रूप से कैलिब्रेशन होता है, एक बटन प्रेस के साथ कैलिब्रेट किया जा सकता है। इन बैलेंस में इनबिल्ट कैलिब्रेशन वेट होता है जो अक्सर मोटर चालित होता है। इंटरनल कैलिब्रेशन जरूरी होता है यदि अचानक पावर ऑफ हो जाए या रूम का टेम्परेचर परिवर्तन हो। सेकेंड है एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। एक्सटर्नल कैलिब्रेशन मैनुअल रूप से किया जाता है, अप्रूव वेट के साथ तेज और आसानी से किया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड वेट सेट करते हैं कैलिब्रेशन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू कैलिब्रेट द एनालिटिकल बैलेंस। बैलेंस कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। बैलेंस कैलिब्रेशन करने से पहले बैलेंस का स्पिरिट लेवल चेक करते हैं। स्पिरिट लेवल के बारे में हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है। बैलेंस कैलिब्रेशन परफॉर्म करने से एक घंटा पहले बैलेंस को ऑन करते हैं, जिसमें बैलेंस इक्विलिब्रेट हो जाता है। एज पर यूएसपी के आधार पर बैलेंस कैलिब्रेशन करने के लिए दो पैरामीटर लिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर एक्यूरेसी एंड सेकेंड पैरामीटर रिपीटेबिलिटी है। एक्यूरेसी को लिनियरिटी और रिपीटेबिलिटी को प्रिसीजन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूरेसी। यूएसपी फार्माकोपियल चैप्टर 41 के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी कैलिब्रेशन के टेस्ट का पार्ट है, जो कि बताता है यूज किए जाने वाले वेट को। इसमें एक वेट का एक टेस्ट लेते हैं जो कि बैलेंस की कैपेसिटी का 5 से 100% के बीच में होना चाहिए। किए गए टेस्ट वेट का वेरिएशन 0.10% से अधिक नहीं होना चाहिए और किए गए टेस्ट रिजल्ट से मेजरमेंट अनसर्टेनिटी निकालने पर 0.10% का 1/3 से अधिक नहीं होगा। हाउ टू कैलकुलेट। स्टैंडर्ड वेट को बैलेंस पर टेस्ट परफॉर्म करते टाइम पैन के सेंटर पे रखा जाता है और रीडिंग तब तक रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक डिस्प्ले में वैल्यू स्टेबल ना हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज रिपीटेबिलिटी। यूएसपी फार्माकोपियल चैप्टर 41 के अकॉर्डिंग रिपीटेबिलिटी कैलिब्रेशन टेस्ट का पार्ट है, जो कि बताता है कि एक बैलेंस में मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट का वेरिएशन जो कि 0.1% के बराबर या उससे कम होगा। रिपीटेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड वेट के 10 रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, जिनको कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। प्राप्त स्टैंडर्ड डेविएशन को दिए गए फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पर रिजल्ट 0.1% के बराबर या उससे कम आना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।